हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो गाइस, आज वापस से खेल रहे हैं रियल समूह लेटर को। तो गाइस, लास्ट मैं अगर बात करूं तो मैंने एक घर जो है अपना बेचा थे। हमारा जो चैलेंज क्या था, हमें 45 लाख करने थे, ठीक है, एक घर से निकालने थे। और मैंने उस वीडियो में गाइस देखना, लास्ट वीडियो ये 45 लाख से ऊपर का मैंने जो उसमें जो अमाउंट एक घर से निकाला ना, क्या बताऊं मैं, मतलब कुछ वर्ड्स ही नहीं है मेरे पास कहने के लिए, ठीक है। तो गाइस, आज जो है मेरे को ना, लास्ट वीडियो मैंने घर दिखा था जो 58 लाख के समथिंग कुछ का था, तो अपने पास पैसा भी एकदम पूरा है। तो वो हम इस घर को परचेज करने, ठीक है, तो वो हम जाके, ये है वो जो घर है 58 लाख का है। तो मुझे 58 लाख का है, 50 का आराम से मतलब पड़ जाना चाहिए, ठीक है। तो इसको अंदर जाके देखते हैं, चलते हैं, देखते हैं कि कितने का मेरे को ये अमाउंट घर जो है मतलब 58 का है। तो 53 में आराम से ये भाई साहब बहुत बड़ा लग्जरी घर है गाइस। अगर मैं बात करूं तो मैं ऊपर जाके दिखाऊं, मैंने एक वीडियो में दिखाया भी था, दूसरी या तीसरी वीडियो की, मतलब गजब का जो घर है ना ये मैं मतलब बहुत बढ़िया है, ठीक है। तो इस घर को मैं परचेज कर सकते हैं, मेरे पास 82 लाख गरीब है यार, 82 लाख मेरे पास ऑलरेडी है। तो मैं इसको बात करता हूँ, ये 58 मांग रही है, तो 58 से मैं इसको और 52 ऑफर करूँ, ठीक है, 52 ऑफर करते हैं। तो क्या 52 मानती है या नहीं? मान गई, आराम से मान गई, आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये घर बिकता तो बहुत गजब का जो घर है ना, क्या ही बताऊं मैं, ये यहाँ रूम है, एक वहाँ रूम है, मतलब रूम ही रूम है इस घर के अंदर। तो ये हमने पहला जो अचीवमेंट कर लिया, मतलब पहले उसमें ही कर लिया हमने, क्योंकि मेरे पैसे की कमी थी नहीं। तो नेक्स्ट मेरे पास अभी भी 30 लाख के करीब है, तो 30 लाख के अंदर मेरे पास एक घर और आ जाएगा। जैसे कि ये जो 20 लाख वाला मुझे, सॉरी 25 लाख का दिख रहा है, तो आराम से मेरे को ये 20 में मिल जाना चाहिए, ठीक है। तो आराम से इसको ट्राई करता हूँ कि मैं इसको 20 में खरीदूँ। वैसे कि मुझे मतलब ज़्यादा तो मैंने कम नहीं कर रहा हूँ, तो ये मेरे को ऐसा है 20 में दे दे, तो मैं इसको 20 में लेके और मैं ला के इसको काम खत्म करूँ, नेक्स्ट में बेचेंगे। और ये मान गई, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया तरीके से 20 से मान गई है। तो आराम से मैं इसको एटलीस्ट 27 में आराम से मैं इसको मतलब बेच सकता हूँ, ऐसा मतलब मुझे लगता है, क्योंकि उम्मीद तो मैं सीख कर रहा हूँ कि मतलब इतने में बिक जाना चाहिए। तो और मेरे पास 10 लाख के करीब, 10 लाख में और तो कोई घर आएगा ही नहीं, और नहीं आने को पैसे। ये एक 15 लाख का घर है, तो अगर मैं इस 15 लाख के घर की बात करूँ तो 5 लाख में ये भी आ जाएगा, बस सॉरी 10 लाख में आएगा यार ये, 5 लाख 10 मेरे पास ऑलरेडी, क्योंकि मुझे इनको फर्निश भी करना पड़ेगा, तो उसके लिए मेरे को पैसे की जरूरत पड़ेगी, तो मैं सॉरी इनको नहीं लूंगा। तो फिलहाल मैं अपने ऑफिस चलता हूँ, ऑफिस में जाने के बाद मुझे क्या करना है, मुझे अपने जो घर को डेकोरेट करने के लिए सामान चाहिए, वो सामान मेरे को लेना पड़ेगा। तो उससे पहले मैं ना कैबिनेट बस देख लेता हूँ क्या क्या है। तो मैं क्या करता हूँ, एक तो मैं कुछ जो है खरीद लेता हूँ, पहले क्या नाम है आपके, ये वुड फ्लोर, और कुछ ले लेता हूँ मैं ये कारपेट। तो दो जगह मैं कारपेट लगाऊंगा, एक जगह मैं वुड लगाऊंगा, एक जगह मैं कारपेट लगाऊंगा। तो मैं लगाऊंगा जो बड़ा वाला घर है वहाँ पे मैं वुड लगाऊंगा, और जो छोटा वाला घर है वहाँ पे मैं कारपेट लगाऊंगा। तो कारपेट मेरे को चाहिए होंगे कम और वुड चाहिए होगी ज्यादा, तो वुड मैं खरीद लेता हूँ, अच्छी खासी वुड की रिक्वायरमेंट होगी मेरे को। तो मैं वुड फ्लोर को परचेस कर लेता हूँ एटलीस्ट 100 से ऊपर के, क्योंकि मुझे चाहिए होंगे, तो मैं अच्छे खासे क्वांटिटी में मतलब, क्योंकि ना बाद में मैं आऊंगा लेके जाऊंगा सेट करूंगा तो बहुत बड़ा बेकार चीज हो जाएंगे। तो मैं अच्छे से पहले से ही 150-200 क्वांटिटी में लेके चलूं। अच्छा 98 से ज्यादा मैं नहीं ले सकता, कोई दिक्कत नहीं है, मैं दोबारा से 98 ले लूंगा। तो मतलब मैं नहीं चाहता कि बिल्कुल भी मेरे को ना कम उसमें चीजें हो, और मैं बिल्कुल भी चीजों को वो नहीं करना चाहता, टाइम 40 मतलब ज्यादा टाइम लगाऊंगा वहां जाके। तो जितनी क्वांटिटी में परचेज कर सकता हूँ वो सारी की सारी मैं परचेज आराम से करूंगा, ठीक है। तो ये मैंने सारी की सारी आराम से परचेज कर ली है। उसके बाद मेरे को इस फ्लोर की है, ये भी मैं कम से कम 50-60 के आसपास ले लेता हूँ, क्योंकि वहाँ पे ज्यादा तो नहीं लगेंगे, लेकिन सॉरी 50 तो नहीं, 40 के करीब मैं ले लेता हूँ, क्योंकि 15-20 ऑलरेडी होंगी, मेरे पास काम चल जाना चाहिए, इतने में दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अच्छा अब इसकी बारी है, तो हर एक की मतलब बात करी जाए तो वहाँ पर तो अच्छे खासे लगेंगे। तो एक घर में मैं ले लेता हूँ 4 वहाँ के ले लेता हूँ पहले, तो ठीक है सॉरी 5 हो गए, रुक जाओ मैं इसको हटाता हूँ यहाँ से। तो मैं 4 ले लेता हूँ जो एक घर में मेरे काम आएंगे, उसके बाद वहाँ पर ज़्यादा लगेंगे, तो कम से कम मैं ले लेता हूँ 8,
8 ही ले लेता हूँ। उसके बाद लैंप, लैंप जो है 4 लैंप ले लेता हूँ मैं नॉर्मल घर के लिए, ठीक है। तो मैं इसको बंद करता हूँ, 1, 2, 3, 4 तो मैंने परचेज कर लेगा इस 4 लैंप, और वहां पे एटलीस्ट 8 लैंप लगेंगे, तो मैं 8 लैंप ले लेता हूँ। उसके बाद आ जाती है आपकी सोफे की बारी, तो सोफे मैं एटलीस्ट 2 तो मैं ले लेता हूँ उस घर के लिए जो नॉर्मल वाला घर होगा, ठीक है, और 4 मैं ले लेता हूँ बड़े वाले घर के लिए। उसके बाद 2 छोटे सिंगल वाले टाइप के मैं 2 ले लेता हूँ सिंगल छोटे वाले घर के लिए, ठीक है। और उसके बाद ये जो बड़े वाले हैं 2 मैं बड़े वाले घर के लिए ले लेता हूँ, क्योंकि बड़े वाले घर में जरूरत पड़ेगी। अच्छा, अब अलमारी की बात आ जाती है, अलमारी में जो है 2 ले लेता हूँ उस वाले घर के लिए, और एटलीस्ट 4 मुझे चाहिए होगी नए वाले घर के लिए, तो मैं उस घर के लिए 4 अलमारी मैंने ले लिया है। और अब इस टेबल की बात करूँ तो 1 मैं ले लेता हूँ इस घर के लिए जो मतलब छोटा वाला घर है, और कम से कम 4 मैं लेता हूँ बड़े वाले घर के लिए, और ये वाली टेबल है ये 2 मैं ले लेता हूँ अपने वाले नॉर्मल वाले घर के लिए, मतलब छोटे वाले नॉर्मल छोटी 3 ही लेता हूँ मैं छोटे वाले घर के लिए, और एटलीस्ट लेता हूँ अपने बड़े वाले घर के लिए, ठीक है। तो मैंने ये परचेज कर लिया। अब आ जाती है आपकी बेडरूम की, तो बेडरूम में मैं अगर बात करूँ तो 2 मैं ले लेता हूँ अपने छोटे वाले घर के लिए, और 4 मैं ले लेता हूँ, एटलीस्ट 4 मुझे चाहिए होंगे, तो 4 नहीं बल्कि 6 ले लेता हूँ मैं, तो अगर कुछ एकाधी कम होगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैं ले लेता हूँ 6 वो अपने बड़े वाले घर के लिए। चलो, अब मेरे पास अच्छा खासा क्वांटिटी में सामान हो गया है, तो चले गए अपने घर को जो है डेकोरेट करें, और देखते हैं कि कैसे हमारा लगेगा घर डेकोरेट होने के बाद। चलो अपने घर में चले जा रहा, चल भैया चल, और छोटे वाले घर को बेचने के लिए बिल लगा दूंगा मैं आके फटाफट से, पहले उसको जाऊंगा और बेचने के लिए लगा दूंगा, क्योंकि बड़े वाले घर में। अरे यार मैं कहाँ आ गया अपने ऑफिस में, वापस से ऑफिस में थोड़ी ना जाना था यार, मुझे सिटी के अंदर जाना था, मैं ऑफिस में जा रहा हूँ, कहाँ ही जा रहा हूँ मैं पता नहीं, वापस जाओ सिटी के अंदर, सिटी के अंदर जाकर जो मेरा जो छोटे वाले घर है, पहले छोटा वाला घर मेरा सामने है, छोटे वाले घर को मैं बेचने के लिए लगाता हूँ, ठीक है। और एक बार ना जो सब वाले घर है वहाँ पे भी एक बार नजर मार के आ जाते हैं, तो क्या पता वहाँ से भी कुछ मतलब अच्छा दिख जाए, तो वो भी मैं एक बार देख लेता हूँ जा करके। तो मैंने यहाँ पर ये है मेरे पास ये फ्लोर, तो फ्लोर मैंने जैसे कि कहा था कि मैं यहाँ पर ये लगा देता हूँ जो कि सही रहेगा, ठीक है। और एक जो ये अलग अलग है क्या, शायद मैंने अलग अलग ले लिए, लग रहा है सेम ही है, वो अलग अलग दिखा रहा था, सॉरी अलग अलग दिखा रहा था, पर ठीक है। ये सारी चीजें कि मैंने कहा था फ्लोर के लिए मेरे को लगाना था, तो ये मैंने फ्लोर के लिए सारी चीजें यहाँ पे सेट कर दिया। आप वॉल चेंज नहीं कर सकते, ये मुझे थोड़ा सा इसमें लगा चीज जो कि मतलब थोड़ा सा मुझे अच्छा नहीं लगा, तो ये मैंने एक यहाँ लगा दिया, एक यहाँ लगा दिया, और बस बाकी मैं देख लूंगा अगर मुझे कुछ और एक्स्ट्रा में लगेगा तो। और दूसरी चीज है मेरे पास ये लगाने के लिए, तो मैं इसको भी यहाँ सोफे को भी मैं क्या करता हूँ, ये लगा देता हूँ सोफे को फिलहाल, ठीक है। सोफा यहाँ पे लग जाएगा, और एक सोफा जो है आपका कहाँ लगेगा, एक सोफा यहाँ लग जाएगा, सिंपल बढ़िया तरीके से, ठीक है। बस ज्यादा सोफे नहीं लगाने ना यहाँ पर भी मेरे को। अच्छा, लाइट मैंने जो है अलमारी भी बेड सेट कर देता हूँ, पहले मैंने जो 2 बेड लिए थे, तो 2 एक बेड मेरा रहेगा यहाँ पर, ठीक है, मस्त जो है जो नज़ारा है वो एंजॉय कर सकते हो यहाँ पर, तो एक ये यहाँ पे लग जाएगा, और दूसरा वाला बेड अगर मैं बात करूँ तो ये दूसरा वाला बेड यहाँ लग जाएगा, बस खत्म। उसके बाद लाइटिंग की बारी आ जाती है, लाइटिंग में भी अगर मैं बात करूँ तो लाइटिंग में मैंने एक लाइटिंग बेड यहाँ रखी जाएगी, एक यहाँ रखी जाएगी, एक मैं यहाँ रख देता हूँ, ठीक है। बस 3 लाइटिंग बहुत है, एक चलो यहाँ रख देता हूँ बस। उसके बाद मेरे पास लाइटिंग कितनी बची है, लाइटिंग मेरे पास 8 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, 2 अलमारी मैंने खरीदी थी, तो 2 अलमारी मैं कहाँ रखता हूँ, एक अलमारी तो मैं सोच रहा हूँ यहाँ रख देता हूँ, ठीक है, यहाँ सही रहेगी, और एक मैं यहाँ सेट कर देता हूँ, वो ज़्यादा बेटर है, बस उल्टा हो गया क्या, कुछ और नहीं है तो सीधे है, तो एक यहाँ पर एक है, चलो सही है। उसके बाद मेरा कुछ छोटी मोटी जो टेबल्स थी वो मेरे को लगानी थी, जैसे कि ये मैंने एक ली थी यहाँ पे लगाने के लिए, तो ये मैं ना यहाँ सेट कर देता हूँ, ज़्यादा सही रहेगी, तो ये मैंने यहाँ सेट कर दिया, उसके बाद क्योंकि ये थोड़ी सी से मिलती जुलती भी है तो यहाँ पे बैठी रहेगी, सही रहेगा। उसके बाद ये मैंने 3 ली थी, तो ये मैंने 3 के लिए एक यहाँ सेट में एक यहाँ सेट कर देते हैं, उसके बाद एक 2 हाँ एक बीच में सेट कर देते हैं, और एक और बचेगी, तो एक मैं ना यहाँ पे साइड में सेट कर देता हूँ, कोई दिक्कत वाली मतलब ऐसी चीज नहीं लगेगी जो थोड़ा सा दिक्कत देगी, तो ये आराम से ना यहाँ पे बीच में सेट कर देता हूँ मैं इसको, ये थोड़ा सा आ गया, ये लग गई, चलो ये चीज बढ़िया तरीके से सेट हो गई। उसके बाद मेरे को
जो है ये मैंने लगा दिया है सोफे, मैंने सिंगल वाले दो सोफे थे मैंने जो खरीदे थे, तो सिंगल वाले भी मैं क्या करता हूँ एक यहाँ सेट कर देता हूँ और एक मैं यहाँ सेट कर देता हूँ, बस चलो अपना काम हो गया गाइस। यहाँ आकर का मतलब हमने जो सेटिंग थे वो सब कर दिया बड़े तरीके से। अब जरा बाहर चलने, और बाहर चलने के बाद क्या करना है इसको एकदम मैं सेल करने के लिए लगाया था पहले। उससे भी पहले ना मैं क्या करता हूँ, उससे पहले मैं यहाँ का भी जो सेट करता हूँ फिर मैं आपसे मिलता हूँ। और लाइक गाइस मैंने सारी चीज़ें ना इस बड़े वाले घर में भी सेट मतलब कर दिया है, ऑलमोस्ट जितना मतलब सारी चीज़ें थी जो मैंने खरीदी सब सेट कर दिया है। तो अब हम दोबारा बाहर चलें, और बाहर जाने के बाद कुछ मैं अपना जो मतलब घर है वो एक तो मतलब दिन में मेरा ऑलमोस्ट खत्म हो ही गया है, तो कुछ मैंने सब वाले घर देखने थे। तो उससे पहले मैं जरा घर मतलब ऑफिस में चलता हूँ नेक्स्ट डे घर में वहाँ से, और जो पुराना मतलब जो मैंने छोटा वाला घर था उसको सेल आउट करने के लिए डालेंगे, और कुछ सब के घर जाके भी एक्सप्लोर करेंगे और वहाँ पे देखते हैं क्या पता कुछ नए चीज़ें मतलब देखने के लिए मिल जाए। तो उससे पहले मतलब काफ़ी घर बेच ले सिटी के, अब थोड़े से घर भी मतलब बेचने मतलब बेच लेने चाहिए मेरे को। तो मैं इसको 26-20 पे लिया था, तो एटलीस्ट मेरे को 27 तो मिल जाने चाहिए इसको, तो 27 पे मैं भाई लो प्राइस बता रहा हूँ लिटरली सही में। अगर मैं इसको 5 अगर मैं डाल देता हूँ तो इतने में ये ले लेना चाहिए जहाँ तक मुझे लगता है, तो इसको बहुत ज्यादा चाहिए भाई इतने सस्ते। भाई ये भी एक सेट वाली है तो चीप, बेटा दूसरा दिखा दी ना डर जाओगे तुम, तो इतने में अभी रुक जाओ मेरे को। अरे यार इनको और चाहिए, हाँ चल तो ले ले बिल्कुल। देख जाके तेरे लिए मैंने मतलब घर बहुत बढ़िया तरीके से परचेज किया है, और जरा सा देखे तो मैं एक बार थोड़ा सा ना सब वे कह रहा हूँ सबके घर भी जाके थोड़ा सा मैं एक बार एक्सप्लोर कर लूँ कि वहाँ का भी मतलब हिसाब किताब कैसा है क्या है, नहीं है, तो वो भी सारी चीजें मेरे को देखने के लिए मिल जाएंगे। ऐसे में उम्मीद है तो मैं कर सकता हूँ कि कुछ मतलब मुझे नए घर, हालांकि अब हमारा प्राइस थोड़ा बढ़ गया प्रीमियम कैटेगरीज में माने लग गए, पहले हमने स्टार्टिंग की थी 5,000 से हमने स्टार्टिंग की थी चौके कर्ज ने एक लिया है, तो आप भैया 27 देने के लिए रेडी भी है, तो मैं अपना ये वाले प्राइस बोलूंगा 31 पे, ठीक है उससे कम में तो मैं मतलब नहीं मानूंगा। तो ठीक है मेरे पास अच्छा खासा पैसा हो गया है, तो जरा एक बार सब चलते हैं, सब जाने से पहले अपना कुछ देखे कुछ क्या पता यहाँ पे भी अच्छा मुझे कुछ नई प्रॉपर्टी देखने के लिए मिल जाए, काफी अच्छी डील वगैरह हो सकता है मे भी मिल जाए मेरे को। जैसे कि ये तो 6 लाख की है और ये 11 लाख की है, देख लेते हैं। हम काफी सारी प्रॉपर्टी जब ने मतलब 5 लाख की है, 5 लाख मतलब ठीक है कुछ। अब मेरे को ओके 2 लाख है, 2 लाख है सामने वाली, नहीं सामने वाली की तो मतलब उम्मीद ही मतलब मान लो कमी है, ज्यादा तो उम्मीद मैं मतलब मानता ही नहीं हूँ। और एक चीज मैंने देख लिया, इधर अगर आप इधर के साइड पे आओगे ना यहाँ पर आपको सस्ती वाली प्रॉपर्टी मिलेंगे, 40-45-39,000 समथिंग की प्रॉपर्टी तक वो देखने के लिए मिलेंगी। लेकिन अगर आप उधर की साइड जाते हो और उधर की साइड जाते हो तो वहाँ पे आपको अच्छी खासी प्रॉपर्टीज मतलब देखने के लिए मिल जाएंगे। वैसे ये एक अच्छा घर है और ये 5 लाख एक्चुअली ना गाइस ये मुझे ये वाला घर ले लेना है 11 लाख का दे रहा है, तो मैं इस घर को बड़े वाले घर को परचेज करूंगा, क्या कहते हो? चलो जरा अंदर जाके देखे, ये अच्छा लग रहा है मेरे को, तो आराम से मेरे को 11 का देना ना, तो मान के चलो मुझे आराम से ये कितने का लगभग देखो 11 दे रहा है ना, 9 के आसपास आराम से दे देगा मेरे को, ठीक है। तो भैया देखो मैं आपसे मांगने आया हूँ, ठीक है, तो नो में आप मेरे को मतलब दे देना, बाकी तो कोई मैं मतलब ज्यादा नहीं मांगू, काम नहीं कराऊंगा आपसे ज्यादा, तो बाकी चीज है ठीक है, वो देखते हैं आप नो में मांगते हो कि नहीं। अरे यार इसको क्या 10 चाहिए क्या भाई, 10 क्या कह सकते हैं, 10 ही चाहिए होंगे भाई, अभी नहीं मान रही है यस। पर जरा घर को मैं एक्सप्लोर करूँ, एक रूम एक रूम यहाँ पर है ठीक है, यहाँ पे आग जलाने का है ये भी अच्छा है, उसके बाद ये क्या है भाई ओके, ये यहाँ पे एक मतलब वो है क्या नाम है आप कपड़े वगैरह वॉश करने के लिए है, मतलब एक सेपरेट रूम दे दिया है डिश मतलब जोश के लिए ठीक है। ये कौन सा है भाई ये, अरे ये तो बाहर जाने का रास्ता, यहाँ से मैं अच्छा अंदर आया था। अच्छा एक वो वहाँ पे मतलब रूम है एक, तो ये एक छोटा सा तो क्या मतलब हॉल ही कहेंगे, छोटा सा तो नहीं मतलब अच्छा खासा हॉल है। अरे भाई साहब ये किचन है क्या भाई, क्या बढ़िया किचन है भाई, इतनी बड़ी, अरे बढ़िया गजब। यहाँ पे तो हम वॉल वगैरह भी चेंज कर सकते हैं, तो ये एक अच्छी बात है। तो ये अच्छे से मतलब ज्यादा प्राइस में तो नहीं जाएगा, ये मैंने मतलब 10 में लिया है, तो एटलीस्ट 15-16 तक में मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि 16 तक में चला जाएगा। और फ्रिज व्रिज में कुछ है भाई,
फ्रिज में भाई सामान वामान भी, खाली फ्रिज नहीं है। अच्छा ऊपर का तो खुलता है, नीचे का नहीं खुलता, ठीक है। ड्रॉर वगैरह में नहीं खुलती है ये, ठीक है। ये ड्रॉर नहीं खुलेंगी, ओके। मतलब ये किचन मतलब काफी अच्छा, एक पूरे सेक्शन ही किचन का बना दिया है, ठीक है। ओके यहाँ से मैं इधर आया था, ये एक रूम था। अच्छा हाँ ये रूम कपड़े वगैरह के लिए था। ये क्या है भाई? अरे भाई साहब बेसमेंट, अरे गजब। अरे भाई साहब ये बेसमेंट है, अरे भैया और बेसमेंट भी बहुत बढ़िया यार, गजब का अच्छा खासा स्पेस है। ये बेसमेंट का हो गया, एक वहां रूम हो गया। देखते से लग रहा था बड़ा घर है, पर सस्ते में दे दिया इसने भाई 10 लाख में। अच्छा ऊपर आ गए, ऊपर भाई 3-4 कमरे हैं क्या भाई साहब, गजब। ये पहले कम, अरे ये सॉरी ये बाथरूम है नहाने के लिए, ये होगा हाँ ये आपका, उसके बाद ये रूम होगा। ओके ये तो बड़ा मतलब छोटा सा रूम है, थोड़ा सा और बड़ा हो सकता था बट ठीक है, छोटा रूम नहीं है, ज्यादा बड़ा रूम नहीं है, एक स्टोर रूम टाइप का मतलब कह सकते हो। अच्छा ये होगा शायद बड़ा रूम है, हाँ ये एक बड़ा रूम काउंट हो सकता है। अच्छा खासा मतलब रूम है इसका, बढ़िया है, गजब है, सही है, काफी अच्छा है। मतलब इसको डेकोरेशन ये तो मैंने देखा ही नहीं। अच्छा भाई यहाँ पे तीन रूम नहीं थे, मतलब 2 रूम यहाँ थे, एक ये बाथरूम वगैरह था, एक ये रूम है, ये भी छोटा सा रूम है। इसके अंदर ये क्या है, अरे भाई इसके अंदर एक मतलब छोटा सा रूम और है, बहुत अरे यार सही है, बहुत बढ़िया गजब का रूम है। अरे 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 भैया बहुत सही है। मतलब देखो भाई रूम तो घर तो काफी अच्छा बड़ा घर है, ठीक है, जो कि मैंने मतलब देखा है बाहर से ही देखने से मतलब बड़ा लग रहा था, और बाहर से देखने से नहीं अंदर से भी मतलब काफी बड़ा है। बस थोड़ा सा अगर मैं इसको डेकोरेशन मतलब ये दीवार वगैरह चमका दूंगा, जो कि मुझे अच्छी नहीं लग रही है, तो दीवार वगैरह वॉल अगर मैं थोड़ी सी चमका दूंगा और फ्लोर चमका दूंगा तो काफी अच्छा मतलब ये प्रॉपर्टी अच्छी हो जाएगी। और बाहर से तो क्या ही कहने इस प्रॉपर्टी के, और ये एकदम मतलब है यार कुछ तो, कुछ भी तो बात तो है करके, ठीक है। तो चलेगा इसको प्रॉपर्टी को मैं रख लेता हूँ, मतलब अभी तो फिलहाल मैं नहीं करता हूँ। मेरा जो मेन हमारा जो टारगेट था वो हमने अचीव कर लिया है, 53 लाख वाला जो मतलब घर था वो हमने और मतलब खरीद लिया है। तो उसको हम नेक्स्ट हमारा जो है ना जो टारगेट है नेक्स्ट चैलेंज रखेंगे, ठीक है, उस पर हम 60 लाख बनाने हैं हमें, ठीक है। घर से देखते हैं वो हम 60 लाख से बना पाते हैं नहीं, ठीक है, वो हम देखने के, वो बड़ा यूनिक और अच्छा चैलेंज रहेगा देखने के लिए। तो उससे उसके लिए आपको वीडियो को मिस ना हो तो जल्दी से जाओ और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, हिट कर दो फटाफट से बिना किसी देरी के अंदर। अगर यहाँ तक आपने वीडियो देख ली है तो जल्दी से जाके लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय गाइस।